हाँ जी, राम राम जी। क्या हालचाल आपके? उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार ठीक ठाक होगा। दोस्तों, 22 अक्टूबर की जो प्रतियोगिता है, ऑफलाइन प्रतियोगिता है, जिसमें फर्स्ट प्राइज 51,000 है, सेकंड प्राइज 21,000 है, थर्ड प्राइज 11,000 है, फिर 11 बच्चों को 1,100 रुपये हैं, फिर 100 बच्चों को CET का बैच है, फिर 100 बच्चों को KTET की CET की बुक है। और दोस्तों, आज है 19 अक्टूबर, प्रतियोगिता या टेस्ट है 22 अक्टूबर को, आज 19 तारीख है, तो आज रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि है। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है यदि आप जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों देखिए, जब मैंने पिछली दो बार प्रतियोगिता करवाई है या मैं हर शनिवार को टेस्ट लेता हूँ, तो उसमें क्या होता है, रजिस्ट्रेशन 100 होते हैं और फिर बच्चे क्या करते हैं, एग्ज़ाम वाले दिन आते हैं कि ताऊ जी लो मेरे 100 रुपये, आप मेरा रजिस्ट्रेशन कर लो और मुझे पेपर में बैठने दो। उस टाइम पे दिक्कत ये होती है दोस्तों, मैं पेपर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 100 हुए हैं तो ठीक है, मैं 10 फाल तो बनवा लूँगा, 110 पेपर बनवा लूँगा, लेकिन उस दिन बच्चे कभी 40 ज़्यादा आते हैं, कभी 50 ज़्यादा आते हैं, तो मैं उनको बैठा नहीं पाता। ठीक है, तो ये समस्या आती है, उनको वापस उदास होकर घर जाना पड़ता है। भाई कई बच्चे तो ऐसे मेरे से नाराज़ भी रहते हैं, तो आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, 22 अक्टूबर की जो प्रतियोगिता है बड़ी खास है, क्योंकि इसमें आप अपनी पढ़ाई के दम पे अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकते हो, है ना। तो मैं नहीं चाहता कि आप उदास होकर उस दिन वापस घर जाओ, इसीलिए आप अभी के अभी अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। आज अंतिम तिथि है, आज रात 12 बजे तक रजिस्ट्रेशन होंगे, कल सुबह 9 से 10 बजे आपके एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे और फिर 22 तारीख को आपका पेपर हो जाएगा। क्लियर है जी? तो आज रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि है। जो ये टेस्ट होगा, ये जो प्रतियोगिता होगी, ये आपकी हिसार में होगी, कैरियर पावर एकेडमी है रेड स्क्वायर मार्केट में। इसका जो पूरा प्रोसेस है वो नॉलेज टीवी देसी ताऊ के ही द्वारा किया जा रहा है। कैरियर पावर हमारी एक वेन्यू है और उन्होंने स्पॉन्सर किया है इस चीज़ को, इस टेस्ट को। तो KTET ऑनलाइन एजुकेशन ऐप इंस्टॉल करोगे, उसके बाद क्या करना है मैं दिखा देता हूँ। दोस्तों, प्ले स्टोर से आपको KTET ऑनलाइन एजुकेशन ऐप इंस्टॉल करना है। पहली बार KTET ऐप के ऊपर आए हो तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है, यहाँ पे अपनी सारी डिटेल एंटर करनी है। ये जो रेफरल कोड है ये आप खाली भी छोड़ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जो आप पासवर्ड बनाना चाहते हैं KTET ऐप का, वो दो बार डालना होगा, एक बार यहाँ, दूसरी बार यहाँ। इसको क्लिक करके साइन अप पे क्लिक कर देना, ठीक है, आपका KTET ऐप ओपन हो जाएगा। यदि आप KTET ऐप पर अकाउंट बना चुके हैं पहले और ये पेज आपका ओपन हो रहा है, तो आपको फिर क्या करना है, फिर लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है, यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड डालना है और लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। कई बार क्या होता है दोस्तों, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, जैसे मैं लिख के दिखाता हूँ, मेरी ईमेल आईडी लिख देता हूँ, rajeshjangda21@। कई बार क्या होता है, राजेश लिखते ही मेरी पूरी ईमेल आईडी दिखाना स्टार्ट कर देता है ये, और मैं उसी के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो आपको ऐसा नहीं करना है, क्या है, आपको ऐसा नहीं करना है। इसके बाद में आपको पासवर्ड एंटर करना है, पासवर्ड एंटर कर दिया, उसके बाद में आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे अपडेट पे भी क्लिक कर सकते हो, आप नेक्स्ट के ऊपर भी क्लिक कर सकते हो। इस तरीके से आपका ओपन हो जाएगा KTET ऐप, है ना। फिर आपको यहाँ पे देखिए, ये ऑफलाइन टेस्ट दिख रहा होगा, ऑफलाइन टेस्ट दिख रहा है ना, ये वाला ऑफलाइन टेस्ट, तो यहाँ पे क्लिक करना है दोस्तों। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये देखिए, अपकमिंग एग्ज़ाम KTET क्विज 51,000, 100 नंबर का पेपर होगा, रजिस्ट्रेशन और 22 अक्टूबर एग्ज़ाम डेट है, एग्ज़ाम फीस 100 रुपये है। यहाँ पे ज्वाइन नाउ का बटन है दोस्तों, ज्वाइन नाउ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है, फादर नेम, एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट करना है, आधार कार्ड या वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से एक चीज़ का नंबर डालना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर, यहाँ पे बर्थ डेट, फिर मेल है फीमेल है वो क्लिक करना है, सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। मैं कर देता हूँ फटाफट से, राजेश पृथ्वी, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है, एक ही सेंटर आएगा,
यहाँ पे आपका जो आधार कार्ड नंबर है वो आपको एंटर करना है या ड्राइविंग लाइसेंस नंबर एंटर करना है, पूरा सही होना चाहिए क्योंकि इसी को देख के आपकी एंट्री की जाएगी। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है दोस्तों, सही मोबाइल नंबर करना है क्योंकि इसी नंबर से आगे आपसे कॉन्टैक्ट किया जाएगा। यहाँ पे आपको बर्थ डेट सेलेक्ट करनी है, यहाँ पे क्लिक करके आप ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं कोई भी, ठीक है, और फिर आप यहाँ से मंथ आगे पीछे कर सकते हो, ठीक है, मैंने कर लिया भाई। फिर मेल है, फीमेल है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा, सबमिट के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे आपको सारी डिटेल दिखाएगा किस टेस्ट के लिए आप बात कर रहे हो, क्या क्या उसके अंदर है, ठीक है, जैसे 51,000, 21,000, 11,000 सारी चीज़ें मैंने लिखी हुई है। और फिर आपको क्या कर देना है, अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है दोस्तों। यहाँ पे देखिए मेरे वैलेट में 1400 रुपये हैं, मेरे वैलेट में 1400 रुपये हैं। ये रुपए कैसे आए हैं पता आपको, ये आए हैं मेरे शेयर कर करके जो लोग बच्चे शेयर करते हैं ना मेरे लिंक को और फिर उससे इंस्टॉल करते हैं तो मुझे 2.5 रुपये 2.5 क्वाइन मिलते हैं, ठीक है, तो उनका यूज़ मैं क्विज के लिए कर सकता हूँ। तो यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है, यदि यहाँ पे कुछ और हो तो भी आपको इसी बटन के ऊपर क्लिक करना है। अप्लाई नाउ पे क्लिक किया, यहाँ पर देखिए योर एग्ज़ाम फी हैज़ बीन सक्सेसफुली रिसीव्ड एंड योर KTDT क्विज 51,000 एग्ज़ाम फॉर्म सक्सेसफुली सबमिटेड, योर रेफरेंस ID दिस, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है आपको इस तरीके से और ओके पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपके पास स्क्रीनशॉट भी आ गया, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि स्क्रीनशॉट नहीं लिया ऑफलाइन टेस्ट पे जाओ, यहाँ पे पहले क्या हो रहा था ज्वाइन नाउ का बटन आ रहा था, अब वो ज्वाइन नाउ का बटन हट गया और मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो क्या आएगा, यू ऑलरेडी अप्लाइड फॉर दिस एग्ज़ाम। तो इस तरीके से आप अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हैं, ठीक है, मौका है आपके पास और आज अंतिम तिथि है, फटाफट जाइए KTDT ऐप पे और अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो कर लीजिए, ठीक है। इनाम भी आपको पता चल गए, सेंटर भी आपको पता चल गया और एडमिट कार्ड में भी सारी चीज़ें आपकी आएंगी, एडमिट कार्ड में आपका एग्ज़ाम टाइम भी आएगा, एड्रेस भी आएगा, सेंटर का नाम भी आएगा, ठीक है, तो फटाफट जाइए और इस प्रतियोगिता के लिए रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। धन्यवाद।